क्या मिरेज सच में फॉर्म होता है या फिर ये सिर्फ थ्योरी बुक में ही लिखा हुआ है? क्या किसी ने मिराज को अभी तक देखा है? मैंने तो नहीं देखा। सर लक खराब है या फिर सच में नहीं होता है या फिर ये क्या फिजिक्स का एक छोटा सा थ्योरी है? चलो आज देखते हैं कि मिराज को देखने के लिए क्या चीज की जरूरत है। हर वक्त क्या तुम मिराज को देख सकते हो? नहीं। डिजार्ट में जाके तुम देख सकते हो मिराज? नहीं। उसके लिए भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया, एक एक करके करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मिराज। ओके सर। सर व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? क्या मिराज, हम लोग द इफेक्ट ऑफ मिराज डेजर्ट में ही दिखा जाता है? नहीं, गलत बात। एक चीज याद रखो, जब तुम ड्राइव करते हो या फिर कोई लॉन्ग हाईवे में गाड़ी चलाते हो, बहुत धूप होता है, उस टाइम भी तुम्हें बहुत दूर से तुम्हें नजर क्या आएगा कि यार रोड शाइनी है, रोड के ऊपर पानी गिरा हुआ है। यस, मुझे तो आता है, यस मैंने देखा है। सर वो क्यों होता है, वो क्यों होता है? सारा चीज का आंसर एक एक करके करेंगे। ओके, यस, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, एवरीथिंग। सर चलो शुरू करते हैं डेजर्ट। सर मैं क्या डेजर्ट में आ जाओ? चलो सर डेजर्ट में आ ही जाते। अरे यार डेजर्ट में आ गया। अरे भाई आप कैमल वाले यहां पर हो तुम? अरे यार तुम तेर यहां पर हो। तो ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, सोचो ये ऑब्जर्वर है। ओके, ये पेड़ को दिखाई दे रहे हैं? यस सर। ये पेड़ को देख पा रहे? एकदम देख पा रहे पेड़ को। पर सर व्हाट इज मिराज, मिराज का मतलब क्या है? डेजर्ट में मिराज का मतलब क्या है? मिराज का मतलब उसको लगेगा, इफ ही फील्स ही इज थ्रस्टिंग, ओके, उसको लगेगा कोई वॉटर सोर्स, वॉटर सोर्स मतलब वॉटर रिजर्वर, अ सॉर्ट ऑफ पॉन्ड है। कहां पर होगा? अब यार पॉन्ड कहां पर होगा डेजर्ट में? जनरली ये पॉन्ड्स होता है पेड़ों के सामने, पॉन्ड होता है, तो ये पेड़ यहां पर है तो उसके सामने ही पॉन्ड होता है, तो वो उसको नजर आएगा कि एज इफ यहां पर पॉन्ड है। ये चीज को मिराज हम लोग बोलते हैं। ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता कि मिराज होता क्या है। मिराज क्या है? उसको लगेगा कोई वॉटर बॉडी, उसको लगेगा कोई वॉटर बॉडी यहां पर है, इस पेड़ के सामने है। कैसे लग सकता है यार, पूरा डेजर्ट है, सैंड से भरा हुआ है, पेड़ है, कैसे लग सकता है क्या? अब सर बैक कैलकुलेशन पे चलते हैं। सर बैक कैलकुलेशन, तुमको लगेगा कोई वॉटर बॉडी है, बैक कैलकुलेशन में जाओ, वॉटर बॉडी है तुमको लगेगा। सर वॉटर बॉडी, अगर कोई पेड़ कोई वॉटर बॉडी के सामने है तो जनरली क्या होता है, पेड़ का एक इमेज उल्टा साइड में होता है, ये होता है ना? बोलो हाँ सर। अब सर रिवर्स लॉजिक, अगर मुझे उल्टा साइड में, अगर मुझे उल्टा साइड में एक पेड़ नजर आया, अगर मुझे रिवर्स इमेज नजर आया, तो मेरा ब्रेन क्या सोचेगा? मुझे ब्रेन सोचेगा यार डेजर्ट के ऊपर तुम्हें इनवर्स इमेज कैसे पता होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब वहां पर कोई वॉटर बॉडी जरूर है, इसका मतलब यहां पर कोई वॉटर बॉडी जरूर है। यस, ये कौन सोच रहा है, कौन सोच रहा है? ब्रेन सोच रहा है, ब्रेन सोच रहा है कि यार पेड़ का इन्वर्टेड इमेज है तो इसका मतलब जरूर कोई वॉटर बॉडी होगा, तभी तो ये इमेज फॉर्मेशन हुआ। परफेक्ट। अब सर चलो देखते एक्चुअली कैसे ये फॉर्मेशन होता है। सर दिस इज सन, यस, सन से रेज आ रहे, पेड़ से टकरा के वो रेज, सर क्या है, रेज बेंड किया ना, क्यों बेंड किया सर, रेज क्यों बेंड किया? हां मैंने बताया था कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन के वजह से मिराज फॉर्म होगा। अब वो कंडीशन है क्या? कंडीशन इज, जो दिस इज बेसिक ज्योमेट्री एंड बेसिक साइंस, सर जो लेयर ऑफ एयर सैंड के नजदीक है, जो लेयर ऑफ एयर विच इज एग्जैक्टली नियर टू द सैंड इज हॉटर एयर, एंड एज वी मूव अप इट इज द कोल्डर एयर विथ रेस्पेक्ट टू द हॉटर एयर। नाउ हॉटर एयर इज रेयरर मीडियम एंड कोल्ड एयर इज डेंसर मीडियम। हॉटर एयर इज रेयरर मीडियम, कोल्ड एयर इज डेंसर मीडियम। अब देखो मैं एक चीज एज्यूम कर रहा हूं कि उस दिन कोई विंड नहीं था, हॉट डे है, स्टिल एयर है, हॉट डे स्टिल एयर, सो वी कैन एज्यूम कि एटमोस्फेरिक लेयर्स, वी विल एज्यूम कि सर ये एटमोस्फेयर लेयर्स में तोड़ दिया हम लोग ने, सोच लो लाइट
पहला इंटरफेस पे आया, सर डेंसर से रेयर पे जा रहे, डेंसर से रेयर पे जा गया, क्या होगा? डेंसर से रेयर पे जाएगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर इस लेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर इस लेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट व्हेन इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट, वी विल सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस, जिसको क्रिटिकल एंगल मालूम है. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल सर? That is the particular angle of incidence where the angle of refraction is 90 degree. अगर तुम्हारा angle of incidence critical angle से ज्यादा हो गया तो total internal reflection होगा, जो कि यहां पर हुआ. देखो totally internal reflect हो गया. अब जैसे इसने follow किया वो ऐसे जाके, अरे यार first layer से दूसरे layer पे जाके उसके eye पे hit किया. Sir observer के eye पे ray hit किया. अब रे जब हिट किया सर कौन सोचता है? सर दिमाग सोचता है, ब्रेन सोचता है. ब्रेन ऑलवेज थिंक्स द रेज आर कमिंग इन अ स्ट्रेट पाथ. ब्रेन ऑलवेज थिंक्स द रेज आर कमिंग इन अ स्ट्रेट पाथ. सो ये ब्रेन क्या सोचेगा? यार ये रे एज इफ यहां से आ रहे हैं. ये कौन सोच रहा है? ब्रेन सोच रहा है कि एज इफ रे यहां से आ रहे हैं. एंड ब्रेन विल See the image of this tree over here. Because light carries the information of the object. Brain सोच रहा है कि यार light तो straight path में move किया. वो ऐसे थोड़ी सोचेगा कि light ऐसे move किया, नहीं. वो सोचेगा कि light straight path में move किया. और उसके लिए यहां से light आया. किसके लिए? Brain के लिए. और ये image कहां पर form हुआ? ये image brain पे form हुआ. इसको ध्यान में रखो. Virtual image कोई form नहीं होता कहीं पर. ये brain का खेल है. अब brain में image form हुआ. ब्रेन क्या सोच रहा है? यार एक इन्वर्टेड इमेज सैंड पे कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब है उसके नजदीक में कोई वाटर सोर्स होगा, कोई वाटर सोर्स जरूर होगा, या फिर कोई शाइनी सरफेस होगा. यार डेजर्ट में तो कोई शाइनी सरफेस हो नहीं सकता ना. इसका मतलब कोई वाटर सरफेस जरूर है, इसीलिए वो ट्री का इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है. उसको तो पता नहीं चल रहा ना, हाँ, कि ये एक्चुअली रियल है या वर्चुअल. उसको नजर आ रहा, यार मेरे ब्रेन में इमेज फॉर्म हुआ, यस ये इमेज फॉर्म हुआ और ये वर्चुअल है. अब लोग क्या जानते हैं? लोग जानते हैं कि वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट होता है. नहीं भाई, ये माफ कर दो, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है. ब्रेन में जो इमेज फॉर्म हुआ विदाउट एक्चुअली मीटिंग ऑफ द टू रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज, दैट इज वर्चुअल इमेज. ब्रेन पे फॉर्म हुआ, ब्रेन ने इमेज को ऐसे सोच लिया. अब वो लॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? लॉजिकल एनालिसिस की एक पेड़ का इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ डेजर्ट पे. ये तभी हो सकता है जब कोई नजदीक में कोई वाटर बॉडी जरूर हो. ये ब्रेन ने लॉजिकली सोच लिया, ऑब्जर्वर ने लॉजिकली सोच लिया. इसका मतलब उसको क्या नजर आया? अरे यार इसका मतलब कोई वाटर बॉडी नजदीक है. अब वो जब आगे आएगा ये रेस उसके आई पे नहीं पहुंचेगा. जब वो आगे आएगा रिफ्रैक्शन होते होते ये आई पे नहीं पहुंचेगा, तुरंत बाद वो गायब, तुरंत बाद ये इमेज गायब. मतलब उस पोजीशन पे उसको ये वाटर बॉडी नजर आया, पर जब भी वो आगे आया ये वाटर बॉडी गायब, ये वाटर बॉडी गायब, क्योंकि ये रेस तो अभी उसके आई पे नहीं पहुंच रहा है. यस, सो जब भी वो आगे जा रहा है उसको नजर आया यार वाटर बॉडी गायब कैसे हो गया. दिस इज मिराज. सो अब और दूर पे जो वो पेड़ होगा उसके लिए वो एक और देखेगा, बट जब भी वो आगे चलता जाएगा उसके लिए भी वो सारा इमेजेस इरेज होते जाएगा. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. क्या होता है? ऑब्जर्वर के दिमाग में एक इमेज फॉर्म होता है जो कि इन्वर्टेड, और ब्रेन क्या सोचता है लॉजिकली? इन्वर्टेड इमेज. इसका मतलब जरूर कोई ना कोई सर वॉटर बॉडी जरूर है. So this is nothing but the concept of refraction and the total internal reflection with some criteria. What is that criteria? The day has to be very dry, hot air. Yes, hot air near the sand, and when we go up, the hot air is the amount of hot air decreases. So this is the denser medium, and as we go downward, we have the rarer medium. So I hope you have liked the concept of the mirage. इसको अच्छे से देखो और अच्छा लगे तो एक लाइक मार दो. ओके, चलो बाय बाय.